यो तार सब्जी आप बहुत बार बढ़ाने खाई बोला, पर आज मैं जिन सीक्रेट तरीकों बढ़ाने बतौला जिन सब्जी रो कई गुना स्वाद बढ़ जावेला। तो राम राम सा पापा मम्मी किचन मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। इन वास्ते अपा एक बर्तन लिए हाँ, बर्तन में लगभग अपा आधा किलो हो तो पानी घाल दी हूँ, यानी 2 कप तो पानी घाल दी हूँ और गैस ना चालू कर दी हूँ। अब मैं 2 टमाटर लिए हूँ, इन 2 टमाटर ने अपा इन तरह ऊपर उचीरो लगा दे हूँ, क्रॉस रे में इन तरह उचीरो लगा दे हूँ, और लगाना बहुत जरूरी है। और इन्हें बैक साइड भी थोड़ा सा अपा निकाल दे हूँ, नहीं मैं डाल दी हूँ 2 टमाटर इन तरह अपा काटने तैयार कर ली हूँ। अब मैं कांदा लिए हूँ जो मीडियम साइज का कांदा है, इन्हें छिलको निकाल लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। करीब 5 कलियाँ मैं लहसुन ली भी हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हूँ, उन्हें साफ छील लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। 4 मैं कड़ी पत्ता लिया हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। कड़ी पत्ता का फ्लेवर भी मैं बहुत अच्छा लग गया करें। 2 मैं हरी मिर्ची ली भी हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। और 2 मैं लाल मिर्ची ली भी हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। लास्ट में इन मैंने अपा 1 टीस्पून हो जाता नमक डाल दी हूँ। आँच ने अपा थोड़ी अब धीरे कर ली हूँ। अब इन ढक्कन लगाना अपा 4-5 मिनट तक पका ली हूँ। अब इन पकाता लगभग 5 मिनट हो गया है, अब आप गैस ने बंद कर दी हूँ। अब मैं आपने उठा बतू देखो, इन्हें छिलका निकलना शुरू हो गया, देखो इन तो टमाटर छिलका अलग होना शुरू हो जाया करें। इतना अपना पकाना तैयार करना है। अब मैं एक पहलो लिया हूँ जिन्हें ऊपर मैं इन तरह जाली लगा दी हूँ, इन मैंने अपा छान दे हूँ। सब ने अपा छानना निकाल लिया, और पानी है अपन फेंकना नहीं है, तो पानी रे मान देखो सारा न्यूट्रिएंट आई गया है, इन पानी ने अपा यूज़ करा ला। अब इन अपा ठंडा करिए, पचे मिर्ची रा जिका डंटल है यहाँ अपन निकाल ले, इन्हीं साथ है टमाटर ऊपर जिका छिलका है वे भी निकाल लें। तो देखो छिलका आराम निकल जाया करें, इन तरह सब छिलका ना अपना निकाल ले। तो छिलका निकाले रहे पचे इन्हें अपा मिक्सी रे जा रहे मैं ट्रांसफर कर लें। इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अपन काटने भी जरूरत नहीं है, फटाफट पीसी जाए वाला। इन्हें अपना पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर मैंने पानी होया करे जिन कारण अच्छा पीसी जाए करे। इन तरह देखो अपना अच्छा पेस्ट बन गया है, एडा स्मूथ पेस्ट बनाने अपना तैयार करना है। अब इन पेस्ट ने अपना साइड में रख दिए वहाँ, और कुकर में मैंने 2 टेबल स्पून हो तेल डाल दिए। तेल आपने पसंद रहे हिसाब वो आप कम बतो डाल सको। अब गैस ने चालू कर दिए। अब इन मैंने अपना 1 छोटा चम्मच वे तो जीरो डाल दिए, जीरो का टेस्ट इन मैंने बहुत अच्छा आवेगा। 8-10 में काली मिर्चा ली हुई हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। 3 मैं लौंग लिया हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। 2 छोटा टुकड़ा मैं दालचीनी लिया हूँ, अभी मैं डाल दी हूँ। 1 मैं बड़ी इलायची ली हुई हूँ जिन्हें मुंडो खोल दिया हूँ मैं, इन तरह खोलने डाल दो जिन्हें खुश बहुत अच्छी आवेला। 3 मैं छोटी इलायची ली हुई हूँ, इन्हें भी मैं मुंडा खोल दिया हूँ इन तरह, ये भी मैं डाल दी। और 1 छोटा टुकड़ा अपना जावत्री डाल दी हूँ। भाई इनमें कोई आप मसाला नहीं हुए तो आप मत डाल दो, दो अपा तेज पत्ता डाल दे, आँच ने अपा धीरे कर ले। अब सब मसाला अपना अच्छा पक गया है, देखो जीरो भी अपना अच्छा पक गया है। इन तरह पक जावे पचा इन मैंने अपा मैं 2 प्याज लिया हूँ जिन्हें मैं इन तरह लच्छा में काट लिया हूँ, मैं कांदा ने अपा थोड़ा पका ले। मैं अटे मूंगफली तेल इस्तेमाल करी हूँ, आप अपने घर में जिको तेल खाता हो वो आप इस्तेमाल कर सको, और तेल आपने पसंद रहे हिसाब वो कम बतो डाल सको। अपा थोड़ा थोड़ा खराब मसाला डाल लिया, इन खुशबू इन टाइम पर बहुत अच्छी आ रही है। तो आप देख लिया हो प्याज अपन अच्छा सॉफ्ट हो गया है, और हल्को सा कलर चेंज हुआ, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है अपना, ना ट्रांसल्यूशन भी दिखन भूल गया है। इन तरह अपना प्याज ने पकाना तैयार कर लिया हूँ। अब जो मसाला अपा पीसना रखे हो वो मसाला इन मैं डाल दूँगा। इन तरह अपा उबालने मसाला अप बनाया के ना मसाला एक स्मूथ भी बनेला, न खाने मैंने स्वाद ही ना बहुत अच्छा आवेला, ना मसाला जल्दी पकना तैयार हो जाया करें। अब इन मैं थोड़ा अपा सूखा मसाला डाल दें, आधा छोटा चम्मच वैसे इन मैंने अपन लाल मिर्ची डाल दें, और आधा छोटा चम्मच वैसे इन मैंने अपा हल्दी डाल दें, 1 छोटा चम्मच वैसे इन मैंने अपा धाना पाउडर डाल दें, नमक इन टाइम अपा आधा छोटा चम्मच डालना क्योंकि अपन आप जो पानी अपन डाला ला इन मैंने क्या उनमें नमक डाल दिया है, तो सब्जी अपा उबाल जो पानी अपन निकाले नहीं वो पानी इन मैं डाला ला, उनमें थोड़ा नमक डाल दिया इस वास्ते नमक अपन है और ध्यान रखने डालना। बस धीरे धीरे मसाला मैंने आप देखो तेल छूटना रो जाए, मसाला अच्छा तो ली जाए वजह तेल छूटना रो जाया करे। अब इन मैंने अपा थोड़ा पानी डाल दें, और वही पानी है जो आपके छानने निकाले, जो हल्को सा पानी मैंने डाल दें। इन्हीं साथ मैं आपने बता दूँ मैं 4 आलू लिया हूँ, ये मीडियम साइज का आलू है ठीक है, मैं छील लिया हूँ और छीलने पानी में डालने रख दिया हूँ। अब भाई ना अपा काटने में डाल दी हूँ, तो मीडियम साइज का आलू इस पाना है 2-2 पीस में काटना खाली, बड़ा साइज का आप आलू है तो 4 पीस कर लीजिए, मैं 2-2 पीस करने डालूँगा इन मैं। आपने लाग तो है कि आलू बहुत बड़ा बड़ा काट रही हूँ मैं, पर आलू बड़ा नहीं है, इन कुकर में पका वाला इस पाना इतना ही बड़ा काटने तैयार करना है। इन तरह अपा 4 ही आलू ने काटने में डाल दिया, आलू ने अपा थोड़ा सा एक बड़ा मसाला मैंने इन तरह पका लिया। आप देख रहे हो आलू और ग्रेवी मैंने बहुत ही अच्छी लग रही है। आलू प्रक्रिया है उतनी देर में मैं आपने बता दूं कि मैं आधा कप चना लिया है, ठीक है, 3-4 बार साफ पानी धोने रात रात भिगाने रख दिया, तो अपना चना अच्छा भीगने तैयार हो गया है। आपने सुबह सुबह बनावना हुए तो आप रात रात चना भिगाने रख दीजिए, तो आप देखो चना आराम टूट रहा है, देखो इन तरह तो मतलब चना अपना अच्छा भीग गया है।
अपन छीना ने कमो कम 7-8 घंटा तक भिगाना बहुत जरूरी है। 7-8 घंटा तक भिगा वाला तो छीना का टेस्ट बहुत अच्छा आवेगा। अब आप साइड रामायण आप देख पा रहे हो खड़कौड़ का ग्रेवी रामायण में तेल छूटन डूब गया है। अब जी का छीना आप रखे क्या छीना में डालते हैं। छीना देखो आधो कप छीना भिंजाया भिंजाया पचास लगभग एक कप जितना छीना हो जाएगा। छीना फूल जाया करें। छीना ने अपन 3-4 मिनट तक और पका लिया। मैं चना डाले पचे पा 3-4 मिनट तक और पका लिया। हाँ आप चाहो तो इन टाइम रचा ढक्कन लगाना आप इन पकौन वास्ते रख सको। पर इन टाइम आप पानी घाल लें पकौन वास्ते ग्रेवी इतनी गाढ़ी नहीं बनेला पतली ग्रेवी बनेला जी के खाउन में अच्छी नहीं लगेगा। तो मैं हमारे घर में किकर बनाऊँ जी की हमारी मम्मी बनाती वो ट्रिक मैं आपने बताऊँ। इन वास्ते मैं कुर्ची ली भी हूँ। एक कुर्ची भरने में इन मान अपा चीना निकाल लो। चीना साथ एक आलू भी निकाल लियो। एक कुर्ची भरना निकाल लियो। बाकी रहा छो पकता है मैंने। अब आँच ने आप थोड़ी धीरे कर दे वहाँ और चीना आलू जी का आप निकाले हाँ वह मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लें। वहाँ एक गर्म होया करे गर्म बर्फ अपना पीसना नहीं है। तो आपने एक आइडिया बताऊँ मैं पीसन वास्ते मैं 4 बर्फ का टुकड़ा लिया हूँ। बर्फ इन मैं डाल दी ना जिनको कहे जल्दी ठंडा हो जाया करे ना पर ढक्कन लगाना पीस लिया। और मैं मिक्सर वही झार लिया जो कहना मैंने पहले अपना मसाला पीसना तैयार करिया तो घड़ी घड़ी अपना बर्तन भरने की जरूरत को नहीं। अब पीसी ना तैयार हो गया है पर मिक्सर झार अपना ठंडो है देखो गर्म नहीं हुआ है। पर गर्म डाल लिया पर बर्फ डालने से ठंडो रहा करे। तो आ ट्रिक आप अपना सको। अपना मेन पेस्ट नहीं बनाना दरदर पीसना तैयार करना। आप साधारण जो सब्जी बनाता तो आप सब्जी है पानी अलग रहे तो और चीना अलग रहा था वो खाने में अच्छी नहीं लगती। इन तरह बनाना आप डालो ला तो उन्हें स्वाद भी बहुत अच्छा वाला और आगे आप देखो ला कि ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनना तैयार रहेगा। जितनी देर में आप पीस है उतनी देर मैंने अपने देखो मसाला मैंने तेल भी छूट गया है। आँच अपना इन तरह में धीरे करना रखना। इन चीज़ों आपने ध्यान रखना मसाला बढ़ना नहीं चाहिए। अब जेका पीस है आप पके ए में डाल दें। अटे मैं आपने याद दिला दूँ का आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताई जो आपने अच्छी लगती है तो आप लाइक कर जो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सको। पर आप रेस्पॉन्स मैंने जरूर दिया करो जिन्हें मैंने मालूम पड़ती रहे कि आपने मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। वह सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हाँ मिक्स करिया पता इन मैंने आप पानी डाल दिया तो ग्रेवी आपने कितनी रखनी है उन हिसाब आप पानी डाल सको। और मिक्सी के जार में मैं डाल दिया जो मसाला लागोड़ा सब इनमें ना जवेला एक बार पहले एक कप घालना देख लें 1/4 कप भेज दो पानी इन मैंने और डाल दें तो कुल मिलान में इन मैंने अपना 1/4 कप भेज दो पानी घाल लिया। तो पानी आप रहे हिसाब आप कम पत्र डाल सको पर इतना पानी घालना चाहिए कि पानी ढक्योड़ा रहना चाहिए नहीं तो पकेला नहीं छीना। अब इन मैंने अपा मैं थोड़ी सी चाय ली हुई तो आप चाहो तो कपड़े मैंने डालने भी ले सको। मैं आड़ी है चाय ली रखने वास्ते तो उन मैंने मैं चाय ली हुई थोड़ी चाय ले ली जिनको कलर इन के अच्छा काड़ा होगा दिखना मैंने अच्छे लगेगा और डालना ऑप्शनल है। आपने कालो कलर पसंद हुआ तो आप डाल दो हल्को सो कालो कलर आवेला। अब इन मैंने उबाल आ गया है उबाल आया बाद मैंने एक बार सामान अच्छी तरह मिक्स कर ले होना जिन्हों नीचे चना जाने बैठे नहीं। अब इन माता पर ढक्कन लगा देवा इन्हीं साथ इन माता अपन सीटी लगा देवा और सीटी लगाया पचा अपन 2 सीटी वाणनी है। अब चना थोड़ा कम बिगड़ा हुआ तो आप 3 सीटी देकर वाण दीजिए। अब चीना की 2री सीटी आएगी है 2री सीटी आया बाद मैंने अपना गैस बंद कर दी होना और इन टाइम पर अपना भाप नहीं निकालनी है। पूरी भाप अपना खत्म हो जाए उन बाद मैंने खोलना देखना है। इन टाइम पर आप भाप निकाल दो तो आपका चीना कच्चा रह सके। अब कुकर अपना ठंडो हो गया है भाप भी पूरी खत्म हो गई है। भाप पूरी खत्म हो जाए बाद मैंने अपना सीटी नहंगो पहले निकाल ली होना न कुकर न खोल लें और ध्यान रखना सीटी निकालने से कुकर खोलना अपने आप देख लिया कि सब्जी की रंगत कितनी बड़ी आई है देखते ही खाऊना मन करे सब्जी। अब जी के बाद चाय जाली के पका लिया के अब आर निकाल दिया सो पहले। इन टाइम पर आप चाय पोटली वगैरह डाली हो तो वह भी आप निकाल लीजिए इन्हें आप अलग कर लें। अब आप देखो मैं बताऊँ आलू ये पाना बहुत अच्छा पक गया है अच्छी तरह देखो टूट रहा है इन्हें मतलब आलू पाना बहुत अच्छा पक गया देखो इन तरह आलू पाना पक जाना चाहिए। इन टाइम पर आप छोटा आलू काटना डाल वड़ा होता तो आलू गल जाता है इस वास्ते आलू पाना बड़ा काटना ही डालना है ये गले भी नहीं और दिक्कत मैं सब्जी अपने सुंदर लगे। अब चीना देख लेना चीना अपना चेक कर लेना आप चीना इन तरह ले लीजिए चीना ने अपने इन तरह दबाना देख लेना देखो आराम दब रिया देखो चीना पिस गया अपना पूरा इन तरह चना अपना अच्छा पक गया। आप चना के कम भी जोड़ा होता तो अच्छा पकता नहीं आप उन वास्ते आपने 1 सीटी और आवाड़नी पड़ती। अब मैं आपने रसो देखो देखो कितना रसो जाडो बढ़िया देखो और इतना जाडो इस वास्ते है कि जी की मैं टिप आपने बताई के उन्हें करने से वो इतना जाडो रसो बढ़िया वो नहीं करो ला आप तो रसो आप पानी पूता बनेला पानी अलग रहेगा सब्जी अलग रहेगा चीना अलग रहेगा वे खाउन में अच्छी नहीं लगेगा आज सब्जी अपन खाउन में बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं इनमें ना खड़ा गर्म मसाला डाल दी इस वास्ते मैं गर्म मसाला पाउडर नहीं डाल रही हूँ आप नहीं डाले वो तो इन टाइम आप गर्म मसाला पाउडर डाल सको। अब लास्ट में इन मैंने आप हरा धनिया डाल दी इन तरह अपना रसेदार चना और आलू की सब्जी बनने तैयार हो गई है। आज सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनने तैयार होया करे आप चाहे तो रोटी पूड़ी पराठा नहीं तो चावल रहते भी खाओला तो बहुत ही अच्छी लगेगा। तो आप भी अपने घर में इन तरह सब्जी बनाने जरूर ट्राई कर जो
फिर मिला साड़ी दूजे वीडियो में, जब तक राम राम सा।